कोई रिस्पॉन्स अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है, तो आगे की रणनीति है वो जो हमारी बड़े जो आप पंचायतें हैं उन्होंने फैसला लिया है 28 तारीख को महिला महापंचायत होगी नए संसद के सामने। तो मैं आप के माध्यम से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ बेटियाँ वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है। तो क्या लगता है कि जो सरकार अभी तक नाकाम साबित हुई है, उसको जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, तो क्या लगता है कि सरकार की शह के साथ ही सब कुछ चल रहा है? देखो, 2 महीने से ऊपर हो गया है और दिखाई ही दे रहा है कि उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वरना पोस्को एक्ट के अंदर अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और कार्रवाई भी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। तो उसे बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, रूलिंग पार्टी से है। तो देश भर से सहयोग आपको मिल रहा है आपके समर्थन में? जी बिल्कुल, पूरा सहयोग मिल रहा है। कल भी हमने इंडिया गेट पे कैंडल मार्च किया था, पूरे भारतवर्ष से जो है हमें सहयोग मिला, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो बस बार बार हम यही अपील करते हैं कि ऐसे ही सहयोग बनाए रखो, शांतिपूर्वक हमें ये धरना चलाना है। अभी तक हम शांतिपूर्वक चलाते आए हैं, तो बस शांतिपूर्वक चला के हमें शांतिपूर्ण हो जाना चाहिए। हम तो 15-20 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को इतना लंबा ना किया जाए, नार्को टेस्ट करा लीजिए, ब्रिजभूषण का नार्को टेस्ट करा लो और जो 7 लड़कियां हैं और हम जितने बैठे हैं सबका करा लो, जो भी गलत होगा उसे तुरंत सजा मिल जाए। अच्छा, ब्रिजभूषण की तरफ से जान जा रहा है कि धरने पर 3 परिवार बैठे, 3 पति-पत्नी लोग बैठे। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कभी भी मुसीबत का समय होगा तो पत्नी पति का साथ देती है और पति अपनी पत्नी का साथ देता है, तो ये तो है नहीं कि हमें अकेला छोड़ देंगे वो कोई भी। और हम सबके जो, जैसे मेरे हस्बैंड है वो रेसलिंग करते हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, अच्छे रेसलर रहे और अभी भी करते हैं, तो ऐसे ही सब रेसलिंग करते हैं, तो सहयोग में समर्थन में हमारे साथ हैं।